मैं आपको 3x3 रुपीज़ क्यूब एकदम बढ़िया से सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो मैं चलो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रुबिस क्यूब सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले 3x रुबिस क्यूब, ये बस आप समझ लीजिए कि एकदम बड़ा खेलना ही है, क्योंकि अब मैं रुबिस क्यूब सॉल्व कर लिया तो मैं जाता हूँ, इतना आसान है मैं पहले क्यों नहीं सीख पाता हूँ, ठीक है। आप भी बेचैन होंगे कि मैं क्यों सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपको एकदम भारी रुबिस क्यूब सॉल्व करने में नहीं है, ठीक है। बस आपको एक माइंड लगाना, मतलब दिमाग लगाना, आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी बात पर अगर हम आज दिमाग वही लगाएंगे क्या कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसी बात पर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रुबिस क्यूब को मैं ले लिया हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग इसमें मतलब इसमें ट्रिक जान लिया आपको, मैं आपको बिगनर के रुबिस क्यूब में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, फॉर्मूला के साथ आपको सिखाऊंगा रुबिस क्यूब को, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रुबिस क्यूब को। पहले इसमें देखिए किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब यानी कि इसमें कॉर्नर पीस है, इसमें एच पीस है, उसके बाद सेंटर पीसेज है, ठीक है, और राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, मतलब आर प्रैंक है, डी प्रैंक और यू प्रैंक, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले देखिए ध्यान से, जो इसमें जो कोने पर दिख रहा है ना, इसे कॉर्नर पीस कहते हैं, और जो जो बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में जो बीच में सब में जगह दिख रहा है, बीच में ना, बीच में ये ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, वाइट है, ये चारों क्या है, एच पीसेज है, ठीक है। जहाँ भी चार भी लिखे हैं सब एच पीसेज है, और जो बीच में दिख रहा है सेंटर पीसेज छः होते हैं, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ये सब सेंटर पीसेज हैं, ठीक है। और इसको देखिए, इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड, तो मतलब राइट हैंड, तो इसको राइट हैंड कहते हैं, मतलब आर से डिनोट करते हैं, और ये लेफ्ट हैंड से यल से डिनोट करते हैं, और ये यू अप मैंने यू पर ऊपर वाला है तो इसे यू से डिनोट करते हैं, नीचे वाला डी से डिनोट करते हैं, और पीछे वाला बैक बैक मैंने पीछे बी से डिनोट करते हैं, आगे वाला फ्रंट फ्रंट मैंने आगे से एफ से डिनोट करते हैं। बस ये कुछ समझ गए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने तरह। पहले हम लोग रुबिस क्यूब में कोई एक कलर ले लेते हैं, पहले हम लोग कौन सा फर्स्ट कलर बनाना है, मान लीजिए मुझे आपको देख लेना, मुझे मान लीजिए ग्रीन कलर फर्स्ट में कलर बनाना है, मुझे ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर को अब ऊपर रखना है, ठीक है, मतलब ग्रीन कलर मुझे फर्स्ट में ही बनाना है ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन को ऊपर रख लिए, अब ग्रीन को ऊपर रखने के बाद हम लोग को ये है ना एच एस पी से हमको प्लस बनाना कर लाना है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए जो प्लस हम आपको दिखा रहा है फिर से आपको बताएं किस तरह बना रहा है, ठीक है। पहले हम प्लस बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम लोग प्लस बन गया, ठीक है, ये हम लोग का प्लस बन गया, ठीक है। प्लस कॉर्नर पीस को नहीं जाना, मतलब कॉर्नर पीस बनेगा या ना बने उससे कोई मतलब नहीं, बस हम लोग को प्लस बनाए कि नहीं आपको ये ध्यान देना, ठीक है। कैसे देखिए, इसे प्लस बनाना इस तरह, प्लस आपको इस तरह प्लस बनाना है, ठीक है। बस इसे प्लस बस बनाना गुण नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक और चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग इसे मैच करें, जैसे ये मैच किया ना दो नहीं मैच किए, तो कैसे मैच करेंगे, ये वाला यहाँ पर चाहिए, ये वाला यहाँ पर चाहिए, ठीक है। कैसे लाएंगे, इसको इधर करेंगे, मतलब देखिए पहले इसको बिगाड़ लेते, इसको इधर करेंगे, ऊपर करेंगे, ये आ गया, इसको येल्लो मैच किया, अब एक बचता है कहाँ गया, एक यहाँ पर है, इसको ऊपर करेंगे, ये मैच हो गया, कॉर्नर पीस को हटा देते हैं पहले। इस हम लोग पहले इस तरह बनाना है, ठीक है, आपको पहले इस तरह सीखना है। कैसे सीखेंगे, चलिए हम लोग बता रहे हैं। पहले हम लोग ग्रीन को क्या कहते हैं, ग्रीन को फ्रंट पर रखना ऊपर, ठीक है। ग्रीन को ऊपर रखना मतलब नीचे रख देना है ग्रीन को, ठीक है। ग्रीन कलर है ना, अब ग्रीन को मैं ऊपर रखे तब इसको नीचे कर देंगे सीधे, ठीक है। नीचे आ गया ग्रीन, और हम लोग एच एस पी से यहाँ पर ग्रीन लाना है चारों कोने पर, मतलब बीच वाला नहीं लाना चाहिए, बस हम लोग ये चारों एच एस पी से लाना है, ठीक है। अब एक ग्रीन पहले आ गया, एक यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे, दो आ गया, एक और दो चाहिए, ठीक है। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ चाहिए तो एक ऊपर आ गया, तीन आ गया, एक और देखते हैं कहाँ पर है, एक सामने हम लोग का, हम लोग को ये कॉर्नर पीस नहीं देखना, हम लोग को बस हम लोग को एक यहाँ चाहिए तो इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया, अब इसको इधर करते हैं, ये वाला पोजीशन यहाँ पर चाहिए हमको, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिए, और हम लोग को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इधर करेंगे, ऊपर करेंगे, आ गया चार एच एस पी से आ गया ना। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को और आसान होगा, ठीक है। इसमें फार्मूला नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है, ये एच एस मतलब प्लस बनाने में फार्मूला नहीं लगता है, बस आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं ग्रीन कलर मैच किया ना, ग्रीन कलर, अब ग्रीन कलर मैच किया मतलब रेड, ये रेड कलर ना सॉरी रेड कलर है, अब रेड मैच किया ना, तो रेड को अब ग्रीन कलर है, ग्रीन ऊपर है ना, तो दो दफ़ा लगाएंगे फ्रंट में, मतलब एक फ्रंट है ना, ये फ्रंट लेयर है, एक दो ग्रीन के पास मैच किया, और रेड भी मैच किया दोस्तों ना, मैच किया ना। अब चलते हैं, अब यहाँ पकड़ते हैं, बोलूँ येल्लो के पास पकड़ लेते हैं, अब येल्लो मैच कराएंगे, ये ऑरेंज है, एक दो मतलब कई बार घुमा के देखते हैं, मतलब देखिए येल्लो मैच किया, अब ग्रीन ऊपर है, फ्रंट वाला दो बार और घुमाएंगे रूम, एक दो आ गया लेयर, अब चलते हैं ऑरेंज मैच कराते हैं, ऑरेंज मैच किया, दो दफ़ा लगाएंगे नीचे और फ्रंट वाला, एक दो आ गया, अब वही वाला पोजीशन वाइट मैच किया, उसके बाद वही पोजीशन फिर से करेंगे, एक दो आगे, इस प्लस बना, प्लस बनने के बाद एक और डिनोट कर दिए, ये वाइट वाइट मैच किया,
उसके बाद ये रेड रेड मैच किया, येलो येलो मैच किया और ऑरेंज ऑरेंज मैच किया। चलो दोस्तों हाँ यू आप समझ गए होंगे प्लस बनाना बिल्ड, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड लेयर, बात करते हैं हम लोग कॉर्नर पीस का, ठीक है ना दोस्तों। अब मान लिया हम प्लस बना लिया, अब कॉर्नर पीस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर हम लोग तैयार हो जाएगा, जब कॉर्नर पीस हम लोग सॉल्व करेंगे ना ये फर्स्ट लेयर हम लोग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे, पहले हम लोग कॉर्नर पीस सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं ऊपर साइड में कॉर्नर पीसेज में कि ग्रीन जो प्लस बनाए वो उसमें प्लस हम लोग कौन सा बनाए दोस्तों, ग्रीन कलर बनाया ना। अब हम लोग कॉर्नर पीस हम लोग ग्रीन कलर ढूंढना है, ठीक है। कहाँ पर है ग्रीन कलर देखते हैं, इसमें ग्रीन कलर है ना, हाँ दोस्तों इसमें ग्रीन कलर है ना। अभी इसमें तीन कलर होगा, कौन सा, येलो और हम देख लेते कौन का, मतलब पहले कई होगा देखते हैं कौन है। यहाँ आपने ये इसमें ग्रीन कलर है, मेरा फिलहाल में एक ही ग्रीन कलर आया, आपका कई आ भी सकता है, मतलब कॉर्नर पीस में। तो इसमें देखते कौन कौन कलर है, येलो और ऑरेंज ग्रीन, ये तीनों कलर है, तीनों कलर ये कहाँ पर है ये ढूंढना है आपको, ठीक है। यानी इसमें पकड़ लेते हैं ये कहाँ पर है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर है ना। तो ये कॉर्नर पीस यहाँ चाहिए, एक दो आ गया ना ये वाला पोजीशन यहाँ पर। अब कौन सा है, येलो ग्रीन येलो ऑरेंज और येलो ऑरेंज और ग्रीन तो नीचे ही है, ठीक है। अब ये तीनों कॉर्नर पीस हम लोग को यहाँ पर चाहिए, ध्यान देखिए यहाँ पर चाहिए ना, ये कॉर्नर पीस हम लोग को यहाँ पर चाहिए। कैसे लाएंगे दोस्तों देखिए, ये इसमें देखते हैं पहले ग्रीन कलर कहाँ पर है, जो प्लस बना है वो ग्रीन कलर इसमें कहाँ पर है, ठीक है। बस आपको ये डोनोट करना है, कैसे देखिए ग्रीन आप मेरा सामने होगा या आपका ऊपर हो सकता है या आपका इधर हो सकता है, ठीक है। सही बात है ना, सही बात है, तो कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। मेरा मान लीजिए आगे है, तो आगे रही तो आपको इधर करना है, ठीक है। आप मैंने यू पर मतलब यू प्रैंक करेंगे इधर, तो फिर से लेफ्ट में करेंगे, उसके बाद राइट हैंड को ऊपर करेंगे, ठीक है। अब यू प्रैंक आर प्रैंक आ गया, एक बार और देख लीजिए, ये था यहाँ था ना आगे, यू प्रैंक आर प्रैंक, यू प्रैंक आर प्रैंक, बस ये हो गया सिंपल सा आ गया यहाँ पर। अब चलिए एक और, इसमें एक और डाउट देख लीजिए, अगर आपका ऊपर होगा तो आप क्या करेंगे देखिए, यू आर प्रैंक, यू प्रैंक यू टू करेंगे, यू टू आर प्रैंक, यू प्रैंक आर प्रैंक, यू प्रैंक आर प्रैंक आ गया। अब तीसरा देखिए नियम, तीसरा नियम क्या होगा कि आपका ग्रीन कलर इधर होगा, मतलब यहाँ आप देख लिए ऊपर देख लिया, अब इधर बचा है ना, इधर इधर रहेगा, क्या करेंगे यू आर बस इतना करना। अब ये तीनों आपको सिखा दिए ना, अब तीनों ये कौन पीस सॉल्व करेंगे ना, तीनों में ये नियम लगेगा, अगर तीनों रहेगा तो आप कहीं भी कोई देखिए कौन सा कहाँ पर पोजीशन आया है, ठीक है, वो आपका लगा लीजिए जो बताए तीनों में, ठीक है। बस यही लगेगा सूत्र, ये कौन पीस में बस यही आपको लगाना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये इसमें कौन कौन कलर है, ग्रीन और रेड है और येल्लो, कहाँ पर है ग्रीन रेड येल्लो ग्रीन, हाँ ये ग्रीन कलर है, रेड येल्लो और ग्रीन, हाँ तीनों कलर है। अब ये तीनों कलर यहाँ पर चाहिए हमको, यहाँ पर चाहिए, ठीक है। ग्रीन कलर जो प्लस बना है कहाँ पर है, सामने है ना, सामने रहेगा तो मैं बोला क्या कि इधर रहना चाहिए, यू प्रैंक आर प्रैंक, यू प्रैंक आर प्रैंक आ गया, ठीक है आ गया ना। अब चलते हैं यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर में ग्रीन कलर नहीं है, हम लोग दोनों यहाँ फंस गया, ठीक है। हम लोग को इसको बाहर निकालना है, आर प्रैंक लगाएंगे उसके बाद यू प्रैंक आर प्रैंक यू प्रैंक, बस आ गया यहाँ से बाहर हट गया। अब इसमें तीनों कलर कहाँ पर है देखते हैं, ग्रीन है वाइट है और येल्लो ऑरेंज है, कहाँ पर है यहाँ पर है, ऑरेंज भी है वाइट भी है उसके ग्रीन ऊपर है, तीनों कलर यहाँ चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे, मतलब अब से ऊपर जो प्लस बना है ग्रीन कलर किधर है, ऊपर है ना, आर प्रैंक यू टू, यू प्रैंक टू टू आर प्रैंक, यू प्रैंक आर प्रैंक, यू प्रैंक आर प्रैंक आ गया। अब चलते हैं, अब देखते हैं ग्रीन कलर यहाँ पर मैच करे, बस ये आखिरी बचा है वही पर, देखते हैं ग्रीन कलर किधर है, इधर है ना, आर प्रैंक यू प्रैंक आर प्रैंक आ गया। इसमें हम लोग कॉर्नर पीस फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गया कि नहीं दोस्तों, सॉल्व हो गया ना, इसी बात पर लाइक कर दीजिए, देखिए बन गया। हम लोग दोस्तों सेकेंड लेयर सॉल्व करने में और भी बिल्कुल भी आसान है, ठीक है। कैसे, बस आपको एक ट्रिक ध्यान देना, मतलब आपको इसमें एक तरीका, मतलब एक एग्जाम्पल लगेगा, मतलब एक सूत्र लगेगा, ठीक है। कैसे, मतलब देखिए इसमें एक है ना, इसमें एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। एक फार्मूला लगाने मतलब एक आप सॉल्व करेंगे ना, तीनों उसी में सॉल्व करेंगे, वही फार्मूला लगाने के बाद तीनों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आसान है, बहुत आसान है सेकेंड लेयर, ठीक है। वो कैसे, चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग देखिए क्या करना है, हम लोग को देखना है जो हम लोग मान लीजिए फर्स्ट लेयर बन गए, फर्स्ट लेयर नीचे रखेंगे, ठीक है। ऊपर साइड में देखते हैं कौन सा कलर हम लोग का, आप कोई भी मतलब आप जो पहले कलर बनाएंगे आपका यहाँ कोई और चेंज हो सकता है, लेकिन मान लीजिए मेरा ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर हम लोग को एच एस पी से अब बनाना है ना, मुझे एच एस मतलब ये एच एस पी से है ना, यहाँ पर एच एस पी से लगाएंगे, हम लोग को ब्लू कलर नहीं रहना चाहिए, ब्लू क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें मान लीजिए हम लोग एच एस पी ये सॉल्व करेंगे तो इसमें ब्लू कलर नहीं होगा, ठीक है, कहीं भी ब्लू कलर नहीं, बस ऊपर हम लोग का, तो ऊपर यहाँ बनेगा हम लोग का ना यहाँ पर, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं बनेगा, तो इसमें हम लोग एच एस पी से ब्लू कलर नहीं देखना, बस आपको ये ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखते हैं कौन सा ब्लू कलर, इसमें ब्लू कलर नहीं है दोस्तों, इसमें कौन कौन कलर है, वाइट और रेड है। अब देखते हैं वाइट और रेड कहाँ पर है, ढूंढते हैं वाइट और रेड, इसको वाइट वाइट यहाँ नहीं है, तो यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहाँ आप देखते हैं ये मैच कराना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का, ठीक है, ये नहीं मैच किया,
इसको इधर करेंगे, ये भी नहीं मैच किया, इसको इधर करेंगे, जहाँ मैच करेंगे हाँ मैच किया रेड। अब यही सूत्र एक लास्ट सूत्र, मतलब सेकेंड लेयर में ये आपका सेकेंड लेयर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस यही रेड मैच किया ना, अब वाइट कलर ऊपर है तो वाइट कलर हमका किधर है, इधर है ना लेफ्ट साइड में हम लोग का। तब मान लीजिए आपका इधर भी हो सकता है, जिधर मान लीजिए आपका इधर होगा वाइट कलर इधर होना था, वो भी फॉर्मूला बता रहे हैं, मतलब यही वाला है, बस उसका उल्टा करना है, ठीक है ना। चलिए वाइट है ना हम लोग का इधर है, तो इसको इधर करना है, यू प्रैंक एल प्रैंक यू प्रैंक एल प्रैंक यू प्रैंक, उसके बाद क्या करेंगे एल प्रैंक यू यू टू लगाएंगे, यू टू एल प्रैंक यू प्रैंक आर प्रैंक। आगे ये वाइट कलर देखिए इतना आसान सा गया ना, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड लेयर सॉल्व करते हैं, मतलब ये वाला सॉल्व करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब येल्लो मैच मान लीजिए कराते हैं, इसमें ऐसे ब्लू कलर नहीं है तो इसको मैच कराते हैं, येल्लो मैच किया और वाइट ऑरेंज कलर किधर, ऑरेंज कलर इधर है, ये वाला पोजीशन हमको यहाँ चाहिए, ठीक है। तब किधर कहते हैं जिधर रहेगा उसका लेफ्ट साइड में, मान लीजिए मेरा इधर है मैच किया तो इसका लेफ्ट साइड में, यू प्रैंक आर प्रैंक मैच किया, अब यहाँ पकड़ लेंगे यू टू हो गया, अब आर प्रैंक एल प्रैंक यू प्रैंक एल प्रैंक, ठीक है ये भी आ गया। अब और देखते हैं इसमें ब्लू इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं ये ऑरेंज मैच किया, वाइट कलर किधर, वाइट कलर इधर है ना, इधर करेंगे यू प्रैंक आर प्रैंक यू प्रैंक आर प्रैंक यू टू यू वन आर प्रैंक एल प्रैंक यू प्रैंक, ठीक है ये आ गया। चलते एक और बाकी है, ये रेड मैच किया येल्लो कलर किधर, इधर ये वाला पोजिशन यहाँ चाहिए ना, इसके लिए क्या करेंगे यू प्रैंक आर प्रैंक आर प्रैंक यू प्रैंक आर प्रैंक यू प्रैंक आर प्रैंक एल प्रैंक यू प्रैंक, ठीक है ये मैच किया कि नहीं मैच किया ना। इस तरह हम लोग सेकेंड लेयर भी सॉल्व हो गया दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक कर दिए फिर से, मतलब अभी तक किए नहीं है तब कर दीजिए, ठीक है।